IPL 2021 का 26वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए। पंजाब किंग्स की बल्लेबाजों में शुरुआत अच्छी रही। कप्तान केएल राहुल शुरुआत में धीमी गति से खेल रहे थे, फिर क्रिस गेल के साथ अच्छी साझेदारी निभाकर करारे शॉट लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किए। वे केवल 57 गेंदों में 91 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन प्रभु सिमरन सिंह केवल 7 रन बनाकर काइल जैमिसन की गेंदबाजी में विराट कोहली को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे क्रिस गेल आक्रामक खेल खेलकर लगातार बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज लगाए। वे अपने पारी में 24 गेंदों में 46 रन बनाकर डैनियल सैम्स की गेंदबाजी में एबी डेविलियर्स को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे निकोलस पूरन अपना प्रभाव दिखाने में असफल रहे और वे बिना कोई रन बनाए जैमिसन की गेंदबाजी में शाहबाज अहमद को कैच देकर आउट हुए। पांचवी स्थान पर उतरे दीपक हुडा भी केवल 5 रन बनाकर शाहबाज अहमद की गेंदबाजी में रजत पाटीदार को कैच देकर आउट हुए। छठे स्थान पर उतरे शाहरुख खान बिना कोई रन बनाए युवराज चाहल की गुगली गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। और आखिरी में उतरे हरप्रीत 17 गेंदों में 25 रन बनाकर नाबाद रहे। और इसी के साथ पंजाब किंग्स 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की गेंदबाजी डैनियल सैम्स द्वारा शुरू किया गया। डैनियल सैम्स अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन देकर 1 विकेट लिए। उन्होंने क्रिस गेल का महत्वपूर्ण विकेट लिया। मोहम्मद सिराज अपने 3 ओवर में 8 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन दिए। काइल जैमिसन शानदार गेंदबाजी करके अपने 3 ओवर में 10.67 इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए। युवराज चाहल अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8.50 इकोनॉमी रेट के साथ 34 रन देकर 1 विकेट लिए और वे शाहरुख खान का विकेट लिए। हर्षल पटेल अपने 4 ओवर में 13.25 इकोनॉमी रेट के साथ 53 रन देकर बहुत एक्सपेंसिव रहे। और शाहबाज अहमद अच्छी गेंदबाजी करके 2 ओवर में 5.50 इकोनॉमी रेट के साथ 11 रन देकर 1 विकेट लिए और वे दीपक हुडा का विकेट लिए। कप्तान केएल राहुल अपने इनिंग्स को धीमी गति से शुरू किए थे। वे क्रिस गेल को साथ देते हुए जब मौका मिला तब बाउंड्रीज लगा के अपना स्कोर को भी आगे बढ़ाए। वे 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किए और यह उनका 25वां IPL अर्धशतक है। वे अंत तक जबरदस्त बल्लेबाजी करके केवल 57 गेंदों में 159.65 स्ट्राइक रेट के साथ 7 चौके और 5 छक्के की मदद से 91 रन बनाकर नाबाद रहे। वे क्रिस गेल और हरप्रीत के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। प्रभु सिमरन का विकेट गिरने के बाद उतरे क्रिस गेल शुरुआत से ही आक्रामक खेल खेल रहे थे। वे चौके छक्के लगा के RCB के गेंदबाजों के ऊपर काफी दबाव डाले और वे 46 रन बनाकर डैनियल सैम्स की गेंदबाजी में कीपर एबी डिविलियर्स को कैच देकर आउट हुए। वे अपने इनिंग्स में 191.67 स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 24 गेंदों में यह रन बनाए। वे सिर्फ 4 रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। आखिरी में उतरे हरप्रीत अच्छी बल्लेबाजी करके केएल राहुल के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे अपने इनिंग्स में 17 गेंदों में 147 स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौका और 2 छक्के की मदद से 25 रन बनाकर अजय रहे। काइल जैमिसन शानदार गेंदबाजी करके अपने 3 ओवर में 10.67 इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उन्होंने प्रभु सिमरन और निकोलस पूरन का विकेट लिया। 180 रनों का भारी लक्ष्य का पीछा करने उतरे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाजों का शुरुआत खराब रहा। कप्तान विराट कोहली धीमी गति से पारी को संभालते हुए खेल रहे थे और वे अपने पारी में 34 गेंदों में 35 रन बनाकर
हरप्रीत की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। वहीं देवदत्त पाडिकल केवल 7 रन बनाकर रिले मेरिडिथ की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे रजत पाटीदार शानदार बल्लेबाजी करके कप्तान विराट के साथ अच्छी साझेदारी निभाए और वे अपने पारी में 30 गेंदों में 31 रन बनाकर क्रिस जॉर्डन की गेंदबाजी में निकोलस पूरन को कैच देकर आउट हुए। कप्तान विराट कोहली के बाद उतरे ग्लेन मैक्सवेल बिना कोई रन बनाए हरप्रीत की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। पांचवे स्थान पर उतरे एबी डेविलियर्स भी केवल 3 रन बनाकर हरप्रीत की गेंदबाजी में कप्तान केएल राहुल को कैच देकर आउट हुए। छठे स्थान पर उतरे शाहबाज अहमद भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। वे केवल 8 रन बनाकर रवि बिश्नोई की गेंदबाजी में हरप्रीत को कैच देकर आउट हुए। सातवीं स्थान पर उतरे डैनियल सैम्स केवल 3 रन बनाकर रवि बिश्नोई की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। आठवीं स्थान पर उतरे जामीसन अच्छी बल्लेबाजी करके 11 गेंदों में 145.45 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका और एक छक्के की मदद से 16 रन बनाकर अजय रहे। और नवे स्थान पर उतरे हर्षल पटेल अच्छी बल्लेबाजी करके 13 गेंदों में 238 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाकर मोहम्मद शामी की गेंदबाजी में रवि बिश्नोई को कैच देकर आउट हुए। इसी के साथ पंजाब किंग्स 34 रनों से जीत हासिल किए। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी मेरिडिथ द्वारा शुरू किया गया। रिले मेरिडिथ अच्छी गेंदबाजी करके 3.2 ओवर में 8.70 इकोनॉमी रेट के साथ 29 रन देकर 1 विकेट लिए। उन्होंने देवदत्त पाडिकल को क्लीन बोल्ड करके आउट किया। मोहम्मद शामी 3.4 ओवर में 7.64 इकोनॉमी रेट के साथ 28 रन देकर 1 विकेट लिए और वे हर्षल पटेल का विकेट लिए। रवि बिश्नोई शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। वही हरप्रीत जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए। क्रिस जॉर्डन अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 7.75 इकोनॉमी रेट के साथ 31 रन देकर 1 विकेट लिए और वे रजत पाटीदार का महत्वपूर्ण विकेट लिए और दीपक हुड़ा 1 ओवर डाल के 13 इकोनॉमी रेट के साथ 13 रन दिए। हरप्रीत अपने बल्ले का जादू दिखाने के बाद गेंदबाजी में भी उनका जलवा दिखाए। वे शुरुआत से ही शानदार गेंदबाजी करके अपनी तीसरी ओवर की तीसरी गेंद पर पहले विराट कोहली और फिर अगली गेंद पर ही ग्लेन मैक्सवेल का विकेट लिए। वे उन दोनों को क्लीन बोल्ड कर आउट किए और उनकी आखिरी ओवर की पहली गेंद पर एबी डिविलियर्स को भी आउट करके आरसीबी को पीछे रखे। वे इन 3 आक्रामक बल्लेबाजों का विकेट लेकर इस मैच को पंजाब के पक्ष में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और यह उनका इस सीजन में पहला मैच है। वे अपने 4 ओवर में 4.75 इकोनॉमी रेट के साथ 19 रन देकर 3 विकेट लिए। रवि बिश्नोई शानदार गेंदबाजी किए। वे अपने 4 ओवर में 4.25 इकोनॉमी रेट के साथ सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वे पहले शाहबाज अहमद को कैच आउट किए और फिर डैनियल सैम्स को भी क्लीन बोल्ड किए और वे आखिरी में डाइव कैच पकड़कर हर्षल पटेल को पेविलियन लौटाकर आरसीबी के उम्मीदों पर पानी फेर दिए। कप्तान विराट कोहली शुरुआत से धीमी गति से खेलकर अपने इनिंग्स में 32 गेंदों में 102.94 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाकर हरप्रीत की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। आउट होने से पहले विराट कोहली स्पिनर की गेंदबाजी में फ्रंट फुट आके खेल रहे थे। उसी तरह हरप्रीत के गेंदबाजी में भी फ्रंट फुट आकर खेलने का प्रयास किए लेकिन गेंद मिस होके विकेट को लग गया और वे आउट हुए। देवदत्त पाडिकल के विकेट गिरने के बाद उतरे रजत पाटीदार शानदार बल्लेबाजी करके कप्तान विराट कोहली के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। एक तरफ से विकेट गिरते रहे
लेकिन भी वे इनिंग्स को संभालते हुए स्कोर को आगे बढ़ाए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और वे अपने पारी में 30 गेंदों में 103.33 स्ट्राइक रेट के साथ दो चौके और एक छक्के की मदद से 31 रन बनाकर क्रिस जॉर्डन की गेंदबाजी में निकोलस पूरन को कैच देकर आउट हुए।